धन है क्या तेरी। पहले हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलिए दिखाते हैं मेरे घर में कुछ हो रहा है और बच्चों ने कुछ तैयारी किया है, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों क्या कर रहे हो? देख सकते हैं हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ओ स्कूल बंद है, फिर क्या कर सकते हो, इतना साल भर हम लोग कुछ कर नहीं पाए तो सोचे अब घर ही में सेलिब्रेट करें। गुड, बहुत अच्छा आइडिया है। आप लोग भी ऐसी तरह घर में बनाएं और स्वच्छता का ध्यान में रख के, हमने कपड़ा यूज नहीं किया, हमने पेपर से बनाया है। तो ये सारी चीज तुम लोग घर पे बनाया है? हम लोग गमला में ये वाला गाड़ दिए हैं और फिर पेपर से बनाए हैं, हम लोगों ने घर के सामान, फिर रोज तोड़े हैं, ये काट दिए हैं, फिर वहाँ पेंट कर दिए हैं, ऑरेंज फ्लावर नहीं मिला इसलिए। अच्छा ठीक, गुड, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अभी बहुत लोगों का आना बाकी है, तो जैसे आप देख रहे हैं वैसे, नहीं तो बड़े नहीं तो छोटे वैसे ही करके मनाइए। हम लोग का जितना था वो हम कर चुके हैं, जितना था उतना से बनाए हैं। तो देखिएगा आप लोग वीडियो और लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा, शेयर एंड ज्यादा से क्या हो रहा है? मैं बैज बनाई हूँ तो उसमें टेप साट रही हूँ। कैसे बनाई हो? अच्छा अच्छा, तो सबको लगाना है। तो ये क्या हो रहा है बच्चों? इंडिपेंडेंस डे का तैयारी, सारा चीज कलेक्ट किया है सुबह जाके मैंने और शिवम ने, घर से सारा चीज हम लोगों ने लगाया है, और ये मेरी बहन ने पेंट किया है और ये हम लोगों ने बनाया है। मेरी मम्मी जो अभी ब्लॉग बना रही है वो इसे खोलेगी, झंडा फहराएगी। तो ये प्लांट का ये रोज है, व्हाइट रोज, और ये पेंट है क्योंकि हम लोग को गेंदा फूल नहीं मिला था, और ये फ्लावर सजा दिया है, और ये डबल साइडेड टेप साट दिए, खींचेंगे तो खुल जाएगा। खोलिए। तो साल से इतना कोरोना वायरस है इसलिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग घर में ही सेलिब्रेट करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अभी आप देखिएगा हमारे वीडियो और सबको सपोर्ट करने जरूर से जरूर बोलिएगा। थैंक यू। क्या कर रही है तन्नो? मैं सबको बैच दूंगी। ये दिखाओ, बंद करो बंद करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आज मेरे फ्रेंड के घर आई हूँ, मेरी आंट
आंटी ने आज रिपब्लिक डे के लिए हम लोग ने बहुत सारा इंतजाम किया है। आज हम लोग ने यहाँ पर केक काटने का तय किया। संविधान को 72 ईयर्स समाप्त हो चुके हैं और आज हमें बहुत खुशी हो रही है हमारे घर में बना के गणतंत्र दिवस। ये संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लागू किया था और गांधी जी के बलिदान से ही हम लोग ये स्वतंत्र हो पाए हैं और ये संविधान भी लागू हुआ है। तो गांधी जी के लिए लाइक कर दीजिएगा। लोग नाराज गए थे कि स्कूली में मनाना थोड़ी ना जरूरी होता है। हम ये सोचा था कि हम खुद से घर में गणतंत्र दिवस मनाएं। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पर स्कूल जैसे मनाने का सोचा था। हम मुझे मेरी फ्रेंड ने यहाँ पर बुलाया, मैं तो सरप्राइज हो गई जब मैंने देखा कि यहाँ पर इतने सुंदर तरह से मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस। थैंक यू, बाय। पसंद आया होगा। तो बच्चों ने ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छा से मनाया और इन लोग का ही सोच था कि आज हम लोग स्कूल में नहीं तो क्या घर में ही हम मना सकते हैं रिपब्लिक डे, तो जरूर मनाएंगे। तो मैंने बोल दिया हाँ मनाओ, लेकिन इस तरह से इतना अच्छा बनेगा ये मैं मुझे मतलब आइडिया नहीं था। बच्चों ने बहुत अच्छा से तैयारी किया, बहुत अच्छा और बहुत एक्साइटमेंट भी था कि हम रिपब्लिक डे घर पे मना रहे हैं। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आज फ्रेंड मुझे अपने स्कूल का जो समय है, दिन है, वो याद आ गया और बहुत ही बढ़िया लगा।
और उसमें का याद आया, ये मुझे सारा फ्रेंड का किस तरह हम लोग करते थे, कब स्कूल जाते थे, झंडा फहराते थे, सारी चीज मुझे याद आ गई। आज मुझे बहुत ही बढ़िया, सच में बोल रहे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और बच्चों का एक्साइटमेंट भी देख के अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के बच्चे कल के भविष्य हैं, और ये लोग अगर ऐसा क्रिएटिव कर रहा है तो आगे चल के बहुत ही अच्छा करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग आज का यहीं तक था। अगर ब्लॉग हमारा आज का पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आज का ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा। तब तक के लिए तो फिर से बोलते हैं आपको हैप्पी रिपब्लिक डे, आप सभी लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी रिपब्लिक डे।